तो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर स्पाइस आइसले T10 का मैच नंबर 6 होगा, जो कि स्टार्ट होगा यहाँ पर रात में 12:30 बजे, और मैच जो है वो खेला जाएगा नटमेग वॉरियर्स और गिंगर जनरल्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाइयों, कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आने वाली हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेम वेन्यू पर मैच खेला जाएगा जहाँ पर अब तक के सारे मैचेस खेले गए हैं। 4 मैच हुए हैं, 3 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 1 मैच चेज हुआ है, मतलब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। एवरेज स्कोर 100 से 130 के बीच में यहाँ पर बनता है। अब देखो, पहले बात करेंगे यहाँ पर नटमेग वॉरियर्स की टीम की, तो इनकी तरफ से ओपन करेंगे आंद्रे फ्लेचर और रोलैंड कार्टो। फिर आएंगे यहाँ से सेड्रिक डिस्कार्स, डेनियल मैकडोनल्ड, जेवन एंड्रयू, जॉन ओलिवे, जोस थॉमस, एलेक्स मोजेस, इनोक टोसेंट, जुमेल फ्रांसिस और एस्टन रेगिस। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इनकी टीम यहाँ पर अपना लास्ट मैच जीती। आंद्रे फ्लेचर ने ओपन भी किया और साथ के साथ बॉलिंग कराई, 48 एक विकेट इसके नाम था पहले मैच में। बहुत शानदार प्लेयर है आंद्रे फ्लेचर, बताने की जरूरत तो नहीं है। रोलैंड कार्टो ने भी 41 रन की बढ़िया पारी खेली थी, करियर में 30 मैच में 599 24 का एवरेज है। सेड्रिक डिस्कार्ड्स 13 रन 0 विकेट है, 1 ओवर डाल के, 2 ओवर नहीं करवाए थे, सिर्फ 1 ही ओवर इसने डाला था। बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, 32 मैच में 573 21 विकेट इसके नाम है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 6 2 विकेट, 4 0 विकेट, 16 0 विकेट, 6 1 विकेट है। डेनियल मैकडोनल्ड 2 रन 2 विकेट थे। बैटिंग के साथ साथ मैंने आपको बोला था जब इनका पहला मैच था कि अगर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करता है तो ये बंदा इंपॉर्टेंट है। जेवन एंड्रयू बैटिंग नहीं आई थी, 24 मैच में 90 रन है। जॉन ओलिवे बॉलर है मेन, लेकिन बॉलिंग इसको नहीं मिली थी, थोड़ा अजीब चीज़ है लेकिन बॉलिंग नहीं मिली थी। 19 मैच में 98 रन 14 विकेट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है आंद्रे फ्लेचर, रोलैंड कार्टो, सेड्रिक डिस्कार्ड्स और डेनियल मैकडोनल्ड। अब यहाँ पर जो इनके नेक्स्ट प्लेयर है प्लेइंग 11 उनकी उनकी बात करें यहाँ पे, तो जोस थॉमस 2 ओवर अपने पूरे डाले, हालांकि विकेटलेस यहाँ पर गया था, लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है आप इस बंदे पर रिस्क ले सकते हो। इसके नाम 29 मैच में 22 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट है। एलेक्स मोजेस 29 मैच में 20 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। पहले मैच में 1 ओवर डाल के विकेटलेस था। इनोक टोसेंट की बात करूँ, 6 मैच में 5 विकेट, लास्ट मैच में 9 बैटिंग रहा था। जुमाल फ्रांसिस 2 विकेट इसको मिले थे और एस्टन रेगिस का कोई खास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से जो मेन बॉलर है, एक तो जुमाल फ्रांसिस है और जोस थॉमस भी बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2 ओवर ये भी आपको डालकर देने वाला है। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं। लास्ट मैच में इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डाले जे फ्रांसिस, जे थॉमस, डेथ मैच जे थॉमस, एस डिस्कार्ड्स और एम डोनाल्ड डेनियल। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि गिंगर जनरल की टीम की। इनकी जो टीम है, इनकी तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया जॉनन जेरेमिया, लेंडन लॉरेंस, फिर आए जियान बेंजामिन, उनके बाद में यहाँ पर आए जॉनिल ऑग्नी, इनके बाद में यहाँ पर आपको दिखे जेरेल जेरेमिया, डेनरोय चार्ल्स, डेविस चार्ल्स, चे डंकन, जोनाथन टेलर, लोरी विलियम्स और यहाँ से रोनेल विलियम्स। तो ये इनके टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात करूँ तो इनकी टीम लास्ट मुकाबला अपना हारी थी। देखो, जॉन जेरेमिया ने 14 रन की पारी उस मैच में खेली थी, 20 मैच में इसके नाम 406 हैं, बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग कर सकता है। यहाँ पर लेंडन लॉरेंस 1 रन करके आउट हो गया था, 31 मिनट में 728 है, ये भी एक ट्रंप का काम आपके लिए कर सकता है। जियान बेंजामिन 9 रन किए, 45 मिनट में 980 रन है। जॉनिल ऑग्नी 6 रन 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग की ट्राई कर सकते हो। जेरेल जेरेमिया 22 रन की पारी इनके नाम थी और डेनरोल चार्ल्स 34 रन 0 विकेट थे। तो सभी प्लेयर ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया था। इंपॉर्टेंट कौन है? जॉनन जेरेमिया, डेनरोल चार्ल्स, जॉनिल ऑग्नी। इसके अलावा ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, अगर चल गए तो वन साइडेड गेम यहाँ पर कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेगा। नेक्स्ट जो प्लेयर है डेविस चार्ल्स, 1 ही ओवर इसको मिला, अगर 2 ओवर पूरे मिलते तो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इसको ओवर कम ही मिलते हैं, 10 मैच में 8 विकेट है 10 ओवर डाल के। चे डंकन को भी 1 ही ओवर मिला, जोनाथन टेलर को 1 ओवर मिला, लोरी विलियम्स 2 ओवर में 1 विकेट है, 20 मिनट में 14 विकेट है करियर में, रोनेल विलियम्स के नाम 1 विकेट है। तो ये दोनों तो मेन बॉलर रहेंगे अपने लिए, लेकिन देखो ये बाकी 3 बॉलर हैं ये भी बुरे नहीं हैं, बस दिक्कत क्या है कि जिसको मौका मिलेगा भाई वो अच्छा कर पाएगा। ये भी इनके बेंच के प्लेयर्स हैं।
लास्ट मैच में इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर यहाँ पर डाले थे एल विलियम्स, रोनेल विलियम्स, डेथ में आए रोनेल विलियम्स, डेविड चार्ल्स और चे डंकन। अब देखो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है ए फ्लेचर, आर काटो, जो ऑग्नी, यहाँ से डी चार्ल्स, एम डोनेल डेनियल, एस डिस्कार्ड्स को रखा है, इनके अलावा जे जेरिमिया, एल विलियम्स, जे थॉमस, आर विलियम्स और जे फ्रांसिस को यहाँ पर रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ पर फ्लेचर, वॉइस कैप्टन डोनाल्ड डेनियल। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।